और रायपुर में बियर डॉग गियर संघ पर हुए लाठी चार्ज की यहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने निंदा की है। चंदेल ने कहा है कि बेरोजगारों ने नौकरी मांगी तो लाठी पाई। शादीपुर प्रदर्शन का जो दमन किया गया वो बेहद ही निंदनीय है और जिस तरीके से घटना सामने आई उसका यहां पर उन्होंने जिक्र करते हुए उसकी आलोचना की। कल प्रदेश की राजधानी रायपुर में जो बेरोजगार नौजवान है वो छत्तीसगढ़ की सरकार से, कांग्रेस सरकार से रोजगार देने की मांग कर रहे थे। उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था लेकिन उसके बाद भी बेरोजगार नौजवानों के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर दमन किया गया, उनके ऊपर बदसुलिकी की गई, जो अत्यंत ही निंदनीय है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4.5 साल गुजर गए, यहां के बेरोजगार नौजवानों में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के प्रति भारी जन आक्रोश है और उस आक्रोश की परिणति कल प्रदेश की राजधानी रायपुर में देखने को मिली है। नौजवान यहां का कह रहा है कि हमको भत्ता नहीं, हमको भर्ती चाहिए और उनकी जायज मांगों को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है। हमारी ये मांग है छत्तीसगढ़ की सरकार से कि प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को शीघ्र ही रोजगार दे और उनके भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद करे।